ये कुछ मेरी शेपिंग है गाइस मोमोज की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब गाइस, ऊपर तो सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो गाइस आ गए हम फिर से न्यू वीडियो लेके। आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है और नहीं भी है क्योंकि आज बारिश हो रखी है बाहर, तो बाहर जाना तो नहीं होगा, तो घर पर ही कुछ स्पेशल है, घर पर ही पार्टी है और घर पर ही अपना कुछ कुछ बनाने का प्लान है। तो आज आपका राइडर बनने वाला है बावर्ची बावर्ची मतलब कुक बनने वाला है, कुकिंग का प्लान है आज मेरा। मन भी कर रहा था यार कुछ बनाया जाए अपने हाथों से एंड खाया जाए, तो प्लान बनाया मैंने, सोचा है कि आज बनाया जाए मोमोज और चिल्ली मोमोज, मेरा फेवरेट है ही। खाना छोड़ दिया था जिम की वजह से, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा खाना पीना। तो चलते हैं किचन में, फिर बनाते हैं चिल्ली मोमोज। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यही रहेगा, बनाने का, खाने का, घर से बाहर निकलना नहीं होगा कुछ। तो लॉकडाउन फिर से बढ़ गया, बहुत ही मतलब है ना अंदर से मतलब गुस्सा आ रहा है कि लॉकडाउन बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, कब हमको फ्रीडम मिलेगी बाइकर्स सबको, राइडर्स सबको। एंड बाहर निकलना तो हो ही नहीं रहा है और कुछ तो बारिश इतनी तेज़ हो रही है, एंड बस यही कुछ है यार, और कर रहे हैं बस जैसे कर रहे हैं। तो आज का मेरा प्लान बस यही है कि आज पकाएंगे, खाएंगे, अच्छी तरह से मौज करेंगे। तो आप देखो मतलब कुकिंग मेरे को इतने अच्छे से आती नहीं है, ठीक ठाक बना ही लेता हूँ है ना, तो देखते हैं कैसा बनता है, क्या बनता है। तो चलिए किचन में मिलता हूँ आपको। सो गाइस आ गए हैं किचन में एंड आपको नॉइज आ रही होगी थोड़ी बहुत, बार बारिश हो रही है बहुत तेज़ खतरनाक एकदम है ना, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई है बारिश आ रही है, आवाज़ हो रखा है पूरा, पानी पतर पतर हो रहा है। तो आई डोंट नो कि वॉइस आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। तो फाइनली आ गए किचन में एंड अब बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं शुरू। आप सिनेमैटिक में इसको एंजॉय करो है ना, सिनेमैटिक में मैं इसको शूट करता हूँ, सो एंजॉय करो गाइस। सो गाइज अब प्रिपरेशन चल रहा है एंड ये हमारा मैदा गूंदा जा रहा है एंड ये हमारा चिल्ली के लिए काट के हमने पहले से ही रख दिया जो भी है, अभी थोड़ा और बाकी है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला मसाला, फाइन कुछ लोकल में मिल गया था, तो मसाला तो कोई भी हो नॉर्मली ठीक ही रहता है। एंड ये कीमा हो गया, वेज कीमा। तो और ये हमने लोई बना रखी है इसकी मैदे की, तो ये अभी गूंदा जा रहा है यहाँ पे एंड हम ग्लास से कट कर करके रख रहे हैं इसको छोटा छोटा, और ये फिर से गूंदा जाएगा एक बार और अच्छा सा शेप लेके और फिर इसमें भरा जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये हो गया है और इसको अब स्टफिंग करते हैं। पहले तो इसको रेडी करना है, इसमें मसाला सब मिक्स करना है कीमे में और फिर स्टफिंग करके और फिर जल्दी जल्दी बनाते हैं इसको है ना। टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, आई थिंक वीडियो लेट अपलोड हो गया आज भी, मेरा अभी ऐसा ही शेड्यूल हो रहा है गाइस एंड सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ वीडियो डालने में। तो कोई नहीं, वैसे रेगुलर तो मैं हूँ ही, रेगुलर आ रहा है मेरा। तो गाइस चलिए स्टफिंग स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सो गाइस अब हम बना रहे हैं झालर और मोमो की, जो मोमो को शेप दिया जाता है सबसे हार्ड इसमें यही होता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसा कुछ मटेरियल आता है यूज़ करने का, तो नॉर्मली 10-20 रुपये में रोड साइड में मिल जाता है, मैं ये वाला यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ। वैसे मुझे इतना पता नहीं कैसे बनता है हाथों से, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कैसे बनाते हैं इसको, आई डोंट नो शेपिंग कैसे दी जाती है इसकी, बट जहाँ तक मुझे आता है मैं उतना बनाने का ट्राई कर रहा हूँ इसमें, और बहुत ही टफ है, वैसे ही होता बहुत टफ है बनाना, जिसको एक्सपीरियंस है जो बनाता है वो बनाता है, बट मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है मोमो बनाने का। सो मेरी तो कुछ ऐसी शेपिंग बनती है, आप देखो,
एंड कुछ मैंने प्लेट में बना के रख रखे हैं, सो मैं दिखाता हूँ आपको। सो कुछ ये कुछ मेरी शेपिंग है गाइस मोमोज की, तो मैं ऐसे बनाता हूँ शेपिंग इनकी। और ये मैं स्टफिंग करने बैठा हूँ एंड ग्रैनी मेरी आटा बेल रही हैं। तो वैसे ये मैदे का बनता है, हम तो मैदे का बनाते हैं मोस्टली, बहुत सारे लोग आटे का भी बनाते हैं इसको, बट हमारे यहाँ मैदे का ही बनता है। मैदे का क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है। तो गाइस चलो अब लग रहा हूँ मैं, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, है ना। अभी शेपिंग मेरे को इतने अच्छे से आती नहीं है, बट हाँ थोड़ा मैं कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी शेपिंग कैसी थी मोमोज की। बस ऐसे ही मेरे को आता है तो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। एंड चलिए गाइस सबको एक बार रेडी कर लेते हैं, फिर आपको चिल्ली बनाने की रेसिपी मैं दिखाता हूँ कैसे बनती है। तो अभी मैं स्टफिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइस फाइनली स्टीम होके हमने कर दिया है ख़त्म, एंड अभी लाइट चली गई है, अंधेरा भी हो गया है बाहर, तो वैसे फोकस लाइट से मैं इसको बना रहा हूँ। सो आधी तो स्टीम हो गए हैं एंड आधी अभी स्टीम होने रखे हैं, आप देख सकते हो स्टीम हो रहे हैं। तो ये घर का देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ से हम बना रहे हैं। एंड चार पीस अभी हो रहे हैं तो ये भी डाल देते हैं इसमें। देखिए गाइस एक तो फूट गया शायद से, हमको शेपिंग इतना अच्छे से आता नहीं है इसीलिए अब जैसे बनता हम तो वैसे बना लेते हैं, पर फिर भी आई थिंक ठीक ही बन रहा है। वैसे कमेंट भी लो गाइस, मतलब आपका राइडर कुक कैसा है ना। हम राइडिंग भी करते हैं कुकिंग भी करते हैं, तो लंगड़े लूले तो हैं गाइस, देखो इतने परफेक्ट शेप के नहीं हैं, पर फिर भी कोई कोई पीस अच्छे भी हैं। आप देखो कितना अच्छा इसमें शेप आया है। अभी क्या है ना गाइस, ये चीज़ें तो प्रैक्टिस में ही अच्छी होती हैं। तो हमारी कोको मैडम भी है, कोको चाहिए, इसको भी खाना है। तो गाइस अब यहाँ से सब समेट के साफ सुफ कर देते हैं। तो ये चिल्ली के लिए हमने पहले ही ये साफ कर दिया है, मतलब ये निकाल दिया हमने अलग अलग। तो ऐसे ये चिल्ली का मटेरियल हो गया और मोमो मसाला ये रखा है। तो गाइस अभी पहले इसको करते हैं स्टीम, और ये तो स्टीम हो चुके हैं, इसको अब हमको क्या करना है, इसको हम लोग फ्राई करेंगे तेल में। तो तेल भी ये रखा है, अब तेल को फ्राई करते हैं, तेल में इसको फ्राई करते हैं और फिर चिल्ली के उसमें मैं दिखाता हूँ आपको चिल्ली कैसे बनती है, मतलब मोमोज चिल्ली। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस अब हम लोग ये मोमो को फ्राई कर रहे हैं इधर डाल डाल के, आप देखो। सो वो स्टीम मोमो है एंड हम लोग इनको डीप फ्राई कर रहे हैं, मैंने एक एक बार फ्राई कर दिया है। कहते हैं दो बार फ्राई करने से क्रिस्पीनेस थोड़ा बढ़िया आता है, तो पहले कम आँच पे हम लोगों ने फ्राई किया, अब थोड़ा गर्म आँच पे हम लोग इसको फ्राई कर रहे हैं, तो इसका क्या है क्रिस्पीनेस आ जाएगा अच्छी तरह से। आप देखो रेड एकदम बिल्कुल गोल्डन रेड हो रहे हैं, तो यही करना है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ, फिर आपको ग्रेवी दिखाता हूँ कैसे हम लोग बनाएंगे ग्रेवी, ठीक है। सो गाइस अब हम लोगों ने इसमें ग्रेवी के लिए पैन में तैयार कर लिया है ये, एंड आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या मैंने डाला है। इसमें है हमारा क्या, ये कैप्सिकम है और प्याज है, ऑनियन है एंड टमाटो है, और मैंने क्या है पहले जीरा डाला, इसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, फिर ऊपर से मैंने इसमें क्या है लहसुन डाला है, ये लहसुन आप देख सकते हो, तो लहसुन भी डाला मैंने, पहले लहसुन डाला है फिर बाद में थोड़ा सा लहसुन को पकने दिया, काला होने दिया, एंड उसके बाद में मैंने ये सब डाल दिया। तो ये जब तक लाइट नहीं हो जाता, हमको देखना है ये थोड़ा लाइट हो जाए, ये क्या है ना, ये प्याज और ये थोड़ा लाइट हो जाए, मतलब हल्का हल्का आपको लगे कि ये गिलगिला होने लग गया है, तो तब आप इसमें फिर सॉस ऐड कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया है, अभी थोड़ा रेडी होने वाला है, तो इसके बाद मैं इसमें सॉस ऐड करूँगा। सॉस वैसे आप नॉर्मल केचप ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें मैगी हॉट एंड स्वीट ऐड करूँगा, जिससे हमको क्या है स्पाइस भी मिल जाएगा एंड इसमें स्वीट भी मिल जाएगा हमको। तो ये वाला मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, और फिर बाद में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस, जो कि इसको कलर भी देगा और थोड़ा टेस्ट भी देगा। एंड उसके बाद हम इसके ऊपर से हम लोग थोड़ा सा चिली फ्लेक इसमें डालेंगे, चिली फ्लेक बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा स्पाइसी बनाना होता है इसको। तो यही कुछ इसका रेसिपी है गाइस, ऐसे ही ये बनता है। एंड मोस्टली लोग इसमें ब्राउन शुगर डालते हैं टेस्ट के लिए, अभी हमारे पास ब्राउन शुगर है नहीं तो ऐसे ही हम लोग काम चला लेंगे, बट नॉर्मली ग्रेवी बन जाता है ऐसे। तो अभी हम इसमें सॉस डालते हैं, सोया डालते हैं
और चिली फ्लेक्स डाल के इसको रेडी करते हैं, फिर बाद में इसमें जब हम मोमो ऐड करेंगे तब मैं आपको मिलता हूँ गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो इसमें हम लोगों ने ग्रेवी में चिली फ्लेक्स एंड सॉस एंड सोया सॉस डाल दिया है। तो आप कलर देखो इसका, मतलब कुछ अलग ही कलर आ रहा है इसमें, आप देखो है ना, कोई कलर ऐड नहीं किया है, बस जो इसमें सॉस डाले जाते हैं सब डाल दिया मैंने, चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है, कुछ ज़्यादा ही डाल दिया मैंने, आज शायद सब फटने वाले हैं खा खा के। तो आप वैसे हमारा लाइट मैन देखो। अब ये सोचोगे यार ये बिजली कहाँ से आ रही है, मतलब कोई तार नहीं है, कुछ नहीं है, आप देखो मतलब कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ तार वार नहीं है इसमें, ये वैसे वाला लाइट है जो होता है ना गाइस। तो ये हमारा आप देखो ये बन रहा है, अब लाइटिंग देखो इसमें, तो ये हमारी लाइट वूमेन है, मैन नहीं, लाइट वूमेन है हमारी नानी, दिख नहीं रही है अभी अच्छे से, अभी क्या है ना गाइस लाइट चला गया थोड़ा प्रॉब्लम, और ये भी इलेक्ट्रिक वैसा लाइट है तो ये भी जल रहा है। तो अभी हम लोग इसी में खाना बना रहे हैं एंड वीडियो के लिए हमारा यही देसी जुगाड़, मतलब नानी हमारी देसी जुगाड़, तो यही बना, यही पकड़ के खड़ी है लाइट को। तो आप देखो गाइस अब ये बॉयल होना शुरू हो गया है अच्छे से, एंड स्मेल इतनी भयंकर आ रही है ना इसकी, मतलब ऐसा लग रहा है डुबकी मार दूँ इसमें, पर थोड़ी चिल्ली है इसमें। हमने क्या किया गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें डाला है मैगी का जो ये सॉस है, ये मैगी सॉस डाला मैंने, ऑलमोस्ट आधी बोतल मैंने खाली कर दी। और दूसरा मैंने डाला है गाइस इसमें ये सोया सॉस मैं लाया था आज, तो ये वाला नॉर्मल सोया सॉस मैंने डाल दिया इसमें। एंड फिर मैंने इसमें डाला गाइस चिली फ्लेक्स, डब्बा आधी मैंने खाली कर दिया, तो चिली फ्लेक्स डाला है और थोड़ा सा मैंने ऊपर से विनेगर का छिड़काव किया, और बस लोग ब्राउन शुगर डालते हैं थोड़ा मीठापन लाने के लिए, मैंने वैसे नॉर्मल शुगर डाल दिया है एक चम्मच, ज़्यादा नहीं। तो अब ग्रेवी हमारा तैयार हो गया है, अब इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है, तो इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे एंड इसमें हम लोग फिर मोमोज ऐड कर देंगे। तो आप देखो मोमोज हमारे यहाँ फ्राई हो गए हैं, तो आप देखो मोमोज फ्राई हो गए हैं कितने, मतलब डीप एंड ब्राउन दिख रहे हैं गोल्डन। तो ये हमारी ग्रेवी, सो ये डाल दिए हमने मोमोज, एंड गैस हमने कर दिया है कम क्योंकि जल ना जाए, इसीलिए गैस हमने कम कर दिया है। तो मोमोज डाल के तो कुछ अलग ही दिख रहा है इसमें। तो ये गए सारे मोमोज के अंदर, आई थिंक फ्राई पैन छोटा पड़ गया, कोई नहीं, हमको बस इसमें अब इसको मिक्स करना है। अब स्टफिंग देखो गाइस इसकी, आधी में खा गया तो कितनी अच्छी तरह से हो रखा है, और मतलब टेस्ट मतलब अल्टीमेट आ रहा है इसमें। ये भी खाने आई है मैडम, कोको खाना है, नहीं देंगे हम तुमको। तो इसको थोड़ा सा चलाते हैं धीरे धीरे क्योंकि मोमोज ना फट जाए, बस इसको हमें इसमें अच्छे से घोल लेना है जो कि पूरा सॉस इसमें अच्छे से लग जाए, एंड इनको भी खाना है, ये सबसे पहले खड़ी है खाने के। कोको नो नो, बैठ जाओ, हाँ गुड बॉय, समझदार है वैसे। सो गाइस अब हो गया है रेडी, अब खाते हैं इसको अच्छे से, अब सर्विंग प्लेट में मैं मिलता हूँ आपको खाते हुए, और टेस्ट हम बताते हैं, पूरे फैमिली का फीडबैक लेते हैं कैसा मतलब बना है। सो गाइस ये आ गई मतलब मेहनत सामने, एंड मुंह से पानी आने लग गया है, देखते ही ऐसा है गाइस, देखो आप खुद ही, मतलब वो आता है ना एक बफलो विंग्स करके आते हैं रेस्टोरेंट में, तो वैसे लग रहे हैं क्योंकि मोमोज के साइज थोड़े बड़े बड़े हैं आप देखो। तो चलिए खाते हैं और सबसे पूछते हैं कैसा है कैसा नहीं है, अब फर्स्ट टाइम तो है नहीं मेरा, दो तीन बार मैं बना चुका हूँ घर पे, बट ये वाला थोड़ा स्पेशली मैंने बनाया क्योंकि इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट मैंने ऐड करे हैं, तो देखते हैं क्या कैसा होता है, खा के देखते हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या टेस्ट है, सबसे पहले पापा को। और अब एक Mm.
और अब एक लास्ट भैया को सो गाइस एक खुद भी खाकर चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल वो रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, अपनी तारीफ नहीं बट हाँ सीरियसली आ रहा है। फ्लेवर अच्छे से मिल गया है, चिल्ली थोड़ा ज़्यादा है, अब है ही चिल्ली मोमोज तो चिल्ली तो होना भी चाहिए, बट एवरी फ्लेवर घूम फिर के आ रहा है। थोड़ा तीखा तो है। सो गाइस लास्ट का मैं आपको इंट्रो तो इंट्रो हो गया, आउट्रो दे देता हूँ। सो बस गाइस मेरा आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अब कल के वीडियो के लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार करो। तो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।